हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन अपने तरीके के बनाने के लिए। मैं शेयर करूंगी, ये 700 ग्राम चिकन है गाइस। ये देखिए, इसको मैं धो के साफ कर ली हूँ अच्छा से, और इसको मैं कट लगा ली हूँ बीच बीच से। देखिए, ये छुरी से मैं कट लगा ली हूँ सब में। अब इसको मैं मैरिनेट करूँगी, वो कैसे आपको दिखाएंगे। आपको शेयर को मैं क्या 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 अंदाज से बना ये जा रही हूँ आपको भाई कहने, चाय और अंडा देने के लिए। ये देखिए गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ। ये मैं रेड एक एक चम्मच लाल मिर्च दे रही हूँ, एक चम्मच मैं काली मिर्च दे रही हूँ, एक चम्मच नमक दूंगी, एक चम्मच धनिया पाउडर दूंगी गाइस, देखी। एक चम्मच जीरा पाउडर दूंगी, आधा चम्मच में थोड़ा से कलर आने के लिए हल्दी दूंगी गाइस, ये हाफ स्पून हल्दी दूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट दूंगी मैं, एक दो तीन चार, ये मेरा छोटा चम्मच का, चार चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मेरी। ये मेरा दही है गाइस, ये देखिए मेरा दही है, बहुत अच्छा से मैं मैरिनेट करी। ये 50 ग्राम दही है, ये मैं पूरा इसमें डाल रही हूँ। गाइस मैं ये अपना ये होममेड गरम मसाला, ये मैं इसको भी मैं एक चम्मच डाल रही हूँ, एक चम्मच भर के मैं डाल दी हूँ। और कलर के लिए गाइस थोड़ा सा मैं कश्मीरी लाल मिर्च हाफ स्पून डाल रही हूँ, अच्छा कलर आने के लिए गाइस हाफ स्पून मैं डाल दी हूँ गाइस। और थोड़ा सा मैं फूड कलर यूज़ करूँगी गाइस, ये देखिए ये मेरा फूड कलर है, ज़रा सा मैं यूज़ करूँगी, देखिए हाफ स्पून थोड़ा से। अब इसको मैं मैरिनेट कर दूंगी हाफ आधा घंटा के लिए गाइस, अच्छा से मैं मैरिनेट करके उसको रख दूंगी आधा घंटा। और दो प्याज जो है उसको मैं काट के रखी हूँ छोटे छोटे स्लाइस में गाइस, उसको हल्का मैं फ्राई करूंगी गाइस, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी ज़रूर। ये देखिए गाइस, ये चिकन मैं कर रही हूँ, ये मसाला वाला चिकन होगा मेरा, दही चिकन बहुत अच्छा, बहुत मज़ा लगता है गाइस चावल के साथ खाने में, रोटी के साथ खाने में। देखिए गाइस ये बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं आधा घंटा में रख दूंगी गाइस। गाइस एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करने जा रहा, आज मैं पटल की चटनी बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़ा होता है चावल के साथ खाए। ये देखिए ये पटल, ये पलवल है जिसको मैं खुरुच के तवा में इसको मैं गला चुकी हूँ, तो एकदम सूखा ड्राई चीज़। उसमें मैं 4 ग्रीन चिली दी हूँ और आधा चम्मच नमक दी हूँ। अब इसको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, एकदम महीन नहीं करना है गाइस, थोड़ा मोटा मोटा दरदरा रखना है। आप प्याज को कुची कुची काट के और सरसों का तेल दे के इसका चटनी, बहुत मज़ा होता है गाइस, बहुत ही मज़ा। थोड़ा सा प्याज में दूंगी, देखिए इसको मैं बड़ा पीसने जा रही हूँ गाइस, थोड़ा सा प्याज में दूंगी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, मतलब हाफ हाफ प्याज, हाफ प्याज एक कुची कुची ये मैं इसमें डाल दी हूँ गाइस। ये देखिए अब मैं इसमें ना इसको मैं मिक्सी का जार में मैं इसको पीसूंगी गाय, दर दरा बहुत मज़ा होता है गाय चटनी। इसको आप चपाती के साथ खा लीजिए या रोटी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा होता है, कभी खा के ज़रूर देखिएगा गाय। ये देखिए गाइस, ये मैं चटनी पीस ली हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के देखिए इसको पीस ली हूँ गाइस। इसमें मैं थोड़ा सा सरसों का तेल मंगाऊंगी गाइस, एकदम परफेक्ट, और इसमें कुछ देने का ज़रूरत नहीं है गाइस, इतना मज़ा लगता है। आप सूखा चावल के साथ भी खा लीजिए, रोटी के साथ भी आप खाइएगा, बहुत टेस्टी होता है गाइस, बहुत टेस्टी होता है, मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज बना रही थी तो मैं सोची आप लोग के साथ मैं शेयर कर लूँ। क्योंकि आज मैं ये चिकन बना रही हूँ, दही चिकन मलाई वाला, मलाई दही चिकन बना रही हूँ गाइस, ठीक है। ये देखिए गाइस को ऐसे मैरिनेट कर लीजिए, और तीखा भी बहुत मज़ा होता है ये चटनी गाइस, आप चावल के साथ भी खाइए और रोटी के साथ भी खाने में बहुत ही मज़ा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है, बता नहीं सकते गाइस कितना टेस्टी हुआ। ये देखिए गाइस, ये मैं जा रही हूँ ऑरेंज जूस पीने के लिए, आपके भाई अभी चाय पिए तो थोड़ी देर बाद वो पियेंगे, अभी नहीं पियेंगे,
मेरा चावल हो गया, मैं चावल पसाने जा रहा हूँ, मैं मैरिनेट करके रख दी हूँ, हाफ घंटा हो जाएगा उसके बाद मैं आपको शेयर करूँगी। 15 मिनट अभी हो गया और 15 मिनट बाकी है। गर्मी वैसे ही गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, बता नहीं सक रहे आपको इतना ज़्यादा गर्मी है, मैं कुछ कहने का नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। ये देखिए गाइस मैं जूस पी चुकी हूँ, ये आपको भाई आपके भाई के लिए जा रही हूँ देने, ये ख़त्म भी हो गया, मुझे नया मंगाना है, ये वाला मुझे अच्छा नहीं है, पसंद नहीं है, बहुत ही पतला है जूस गाइस, रियल का ऑरेंज जूस। ट्रॉपिकाना का इससे अच्छा था, क्योंकि मैं लास्ट टाइम मंगाई थी ट्रॉपिकाना का, वो बहुत अच्छा था, ये मुझे एकदम पसंद नहीं आया गाइस। ये देखिए मैं चावल पसा चुकी हूँ गाइस, मेरा चावल इसमें है स्टीम में, वो स्टीम हो रहा है गाइस, और मैं तेल चढ़ा चुकी हूँ चिकन के लिए, प्याज मुझे फ्राई करना है, ये मेरा 3 प्याज था गाइस, कुछ देखिए ऐसे मैं बारीक काट के रखी हूँ, तो मोटा मोटा काटूँगी तो वो फिर मसाला बनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा गाइस, इसलिए इसको मैं महीन काटी। देखिए मेरा तेल गर्म, मैं 100 ग्राम में रिफाइन ऑयल डाली हूँ गाइस, कढ़ाई में मेरा 100 ग्राम रिफाइन ऑयल है, ये देखिए मैं तला में, तेल गर्म हो गया, ये देखिए ये प्याज में उसमें डाल, इसको मैं ज़्यादा लाल नहीं करूँगी गाइस, हल्का लाल करूँगी, तो हल्का लाल करके उसके बाद से इसको मैं थोड़ा पानी डाल के इसको गलाऊँगी गाइस। मेरा चिकन मैरिनेट हो गया है गाइस, देखिए गाइस मैं भी अंडा बॉयल अंडा खाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं लंच जो लेट से करती हूँ, आपको पता है 3:30 बजे मैं करती हूँ, उसमें मैं जूस और अंडा रोज़ में एक खा लेती हूँ, अभी बज रहा है 1 बजने वाला है, इसलिए कि गाइस ये मेरा प्याज लाल हो चुका है, ये देखिए ज़्यादा मुझे लाल नहीं करना है, देखिए ये देखिए अब इसी स्टेज में आप थोड़ा सा पानी इसको डाल दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिएगा, डाल के इसको ढक्कन से थोड़ा 5 मिनट के लिए ढक दीजिएगा गाइस, तो प्याज जो है आपका सॉफ्ट हो जाएगा। हाय गाइस ये देखिए ये मेरा प्याज एकदम नरम हो गया है गाइस, अब जो ये मैरिनेट करके रखी थी ये मेरा आधा घंटा से ज़्यादा ही हो गया है गाइस, ठीक है, तो ये अब मैं इसको डालने जा रही हूँ गाइस, ये पूरा चिकन मैं इसमें डाल दूंगी। ये बहुत मज़ा लगता है गाइस खाने में, बहुत ही मज़ा होता है गाइस, एक बार ज़रूर आप लोग बना के खाइएगा गाइस, फिर परवीन आपा को अपना आप कमेंट्स करके बताइएगा गाइस कैसा, बस इसी के पानी में ये पूरा बनेगा गाइस, मसाला होता है इसमें, बहुत टेस्टी लगता है गाइस, चावल सूखा चावल के साथ आप खा लीजिएगा, इतना टेस्टी, उसमें दाल का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है गाइस, ये जो दही का ग्रेवी होगा इसमें बहुत ही मज़ा, ये सब धो के इसका पानी ले लीजिएगा गाइस, पूरा पानी इसका ले लीजिएगा गाइस। मैं चिकन चढ़ा चुकी हूँ, इसको ऊपर नीचे कर दी हूँ मसाला को, अब उसके बाद से ये तेज़ तवा में ये देखिए ये गलेगा गाइस, ये गलेगा, उसके बाद से मैं इसको भून लूँगी गाइस, भून के फिर उतार लूँगी। ये देखिए गाइस ये मेरा भुना रहा है, इसमें थोड़ा नमक कम है, मैं उस टाइम 1 चम्मच नमक दी थी, आधा चम्मच और दूँगी गाइस। ये देखिए मेरा दही मसाला चिकन मेरा बहुत अच्छा कलर, तो इसका जवाब नहीं है गाइस, देखिए इसका कलर देखो, अब खुशबू तो इतना अच्छा आ रहा है गाइस, इतना अच्छा इसका खुशबू आ रहा है, को बताएं इसके मसाले के साथ, चावल सूखा चावल और मसाला रोटी के साथ चपाती के साथ तो अच्छा लगता है, लेकिन चावल के साथ तो बहुत ही मज़ा लगता है गाइस, आप तो ज़रूर एक बार बना के ज़रूर खाइएगा, ये मेरे अंदर मेरे स्टाइल का चिकन है गाइस, ये मैं ऐसे ही बनाती हूँ ग्रेवी वाला, ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहता है, देखिए ये मैं भूने सा कलर देख रहे हैं गाइस, कितना प्यारा कलर आया है गाइस, बता नहीं सकते गाइस, इसका खुशबू भी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ गाइस, बस एक चीज़ इसमें और मैं डालूँगी, अभी नहीं थोड़ा हो जाए तब थोड़ा और होगा गाइस, देखिए प्याज उसमें मेल्ट हो चुका है। ये देखिए गाइस मैं इसमें आपको बता रही थी मैं क्या शेयर करूँगी, ये मेरा कस्तूरी मेथी है, अभी बरसात का टाइम जा रहा आप जानते थे, तो मैं ये तवा चढ़ा चुकी हूँ गाइस, ये तवा में थोड़ा सा मैं गर्म कर लूँगी, ये देखिए ये मैं तवा में डाल दी हूँ गाइस, ये थोड़ा सा मैं इसमें उसके बाद में अच्छा खुशबू आता है गाइस, ये बहुत अच्छा स्मेल आता है, मैं आपको बता नहीं सकूँगी गाइस। ये देखिए गाइस ये मेरा कस्तूरी मेथी एकदम गर्म हो गया है, देखिए खुशबू तो हम आपको बता नहीं सक रहे गाइस, इतना अच्छा खुशबू इतना अच्छा आ रहा है, इसको ज़रा से गर्म कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा खुशबू आता है, इसका फ्लेवर में टेस्ट बढ़ जाता है, इसका टेस्ट बढ़ जाता है गाइस,
देखिए कितना अच्छा क्रंचीनेस हो गया गाइस, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए गाइस आराम खुशबू आपको बता नहीं सक रही गाइस, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। अब मैं ये इसमें डाल दूंगी गाइस, ये मेरा चिकन में, ये देखिए मैं डाल दी इसको पूरा, मैं डाल दी गाइस। आप जरूर बना के खाइए गाइस, तो फिर आप बोलिएगा कि हाँ परवीन आप सही बोल रही थी। देखिए गाइस मेरा मसाला देखिए, कैसा खुशबू हम आपको बता नहीं सक रहे गाइस, इतना अच्छा इतना मज़ा खुशबू आ रहा है कि हम बता नहीं सक रहे। आप लोगों को भी मुंह में पानी आता होगा गाइस जैसे मैं बता रही हूँ। देखिए इसका कलर देखिए गाइस, माशाल्लाह इसका कलर देखिए, बहुत प्यारा कलर आया है गाइस, बहुत ही प्यारा कलर। हाय गाइस ये देखिए मेरा चिकन बन गया है, ये मेरा दही चिकन मसाला ग्रेवी दही चिकन, बहुत ही खुशबू आ रहा है इसका, खुशबू ज़्यादा इसलिए अच्छा आ रहा है क्योंकि इसमें कस्तूरी मेथी में थोड़ा से भून के दी हूँ गाइस। ये देखिए गाइस का कलर देखिए, आप लोग ज़रूर एक बार बना के ज़रूर खाइएगा गाइस, ज़रूर एक बार बना के आप लोग खाइएगा, तो आप कॉमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा हुआ। ठीक है गाइस, ये चावल है मेरा लंच आज, यही आज मेरा लंच यही मैं बनाई हूँ, और चटनी बनाई हूँ वो भी तो मैं आपके साथ शेयर की हूँ, पटल की चटनी, वो भी बहुत टेस्टी मज़ेदार होता है गाइस। आप लोग बना के दोनों चीज़ ज़रूर खाइएगा, कमेंट्स करके भी मुझे बताइएगा परवीन आपका ब्लॉग्स में। मेरा फेसबुक आईडी भी है, मेरा फेसबुक पेज को फॉलो अप कीजिएगा, इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो अप कीजिएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। ओके अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना अपना परिवार, लव यू गाइज, आई लव यू गाइज, लव यू गाइज़।